गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तरेगा ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है किरीबती। ऑफिशियली द किरीबती आइलैंड कंट्री इन द माइक्रोनेशिया। मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लोजेस्ट कंट्री पे आते हैं तो फिजी, सामवा, मार्शल आइलैंड किरीबती की क्लोजेस्ट कंट्री है। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल है और ये एक्सटेंडेबल भी है, और इसका जो टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड भी हो जाएगा, कन्वर्ट भी हो जाता है वर्क वीज़ा में, और आपके फैमिली को भी बुला सकते हैं डिपेंडेंट वीज़ा में। ठीक है, तो डिपेंडेंट वीज़ा अगर आप वहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, ठीक है, आपको जॉब मिल जाता है, तो आपको 6-7 महीने तो आपको वर्क परमिट में जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी वाइफ और आपके बेबी को बुलाना है तो आपके ऑनर को या आपके एम्प्लॉय को आपको कहना पड़ेगा मेरी फैमिली को बुलाना है, तो वो आपके बिहाफ में डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप वर्क परमिट पे हो, तो डिपेंडेंट वीज़ा मींस कि आप आपकी वाइफ और आपके बेबी का ख्याल रख सकते हो। ठीक है, तो उस बेस पे, आपके वर्क परमिट के बेस पे आपकी वाइफ और फैमिली को आप बुला सकते हो, उसे कहते हैं डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मतलब इसके कैपिटल पे, तो कैपिटल है तारावा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, क्राइम रेशियो है इसका किरीबती का लिटिल बिट हाई है, लेकिन होंडुरस का 81 है। ठीक है, एल सेल्वेडर का 42 है, निकारागुआ का 11% है, फिलीपींस का 8.65 है, किरीबती का 7.17% है। ठीक है, और मोरक्को का कम है, 1.15 इसका क्राइम रेशियो है। ठीक है, और इंडिया का 3.73, तो इंडिया और मोरक्को से हाई है क्राइम रेशियो, 7.17 है किरीबती का, लेकिन होंडुरस, एल सेल्वेडर और निकारागुआ और फिलीपींस से कम है किरीबती का, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी में, आपको ऐसे एक बता देता हूँ, अगर फुल डिटेल आपको चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है मैंने। ठीक है, तो मिनिमम 60,000 तक तो मिल जाएगा, मैक्सिमम 1,20,000-1,50,000 तक आपको मिल जाएगा, आप ऐसा पकड़ के चले। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके ट्रेंडिंग जॉब्स पे, तो होलसेल, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होलसेल, बाद में रिटेल फील्ड में, रिटेल स्टोर्स में हो गया, होलसेल स्टोर्स में हो गया, हेल्थ केयर सेंटर में हो गया, कारपेंटर्स हो गया, ड्राइवर्स हो गया, लोडर्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इन सब की रिक्वायरमेंट्स होती है फ्रेंड्स। ठीक है, होलसेल में इसलिए काफ़ी होलसेल की वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी ये है दुकानें हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, अकाउंट्स में, कैशियर्स में, स्टोर्स में हो गया, सेल्स के लिए हो गया, कैशियर्स के लिए हो गया, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में नर्स हो गया, मेडिकल डॉक्टर्स हो गया, एमबीबीएस डॉक्टर्स हो गया। ठीक है, कारपेंटर, ड्राइवर, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, होती है, तो आप जा सकते हो ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा, आप वहाँ पे जाके जॉब ढूंढ के आपका कन्वर्ट करा सकते हो टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में, फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद आपकी फैमिली को भी बुला सकते हैं ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा। ठीक है, अभी मैं इसका रूट आपको बता दूँ, तो पहला जो रूट बनता है वो है मुंबई दिल्ली से सिंगापुर, बाद में सिंगापुर टू फिजी, फिजी टू किरीबती, रिटर्न टिकट लगभग 2,10,000 के आसपास पड़ेगी आपको। ठीक है, और सेकेंड रूट है इसका मुंबई दिल्ली से हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग टू फिजी, फिजी टू किरीबती, तो ये दो रूट बनते हैं, आप जैसे कि कंफर्टेबल हो, जो प्राइस कंफर्टेबल है आपके लिए, जिस टाइम आप बुक कर रहे हो उस टाइम ये दोनों रूट में से कोई भी फ्लाइट सस्ती पड़ रही है, रिजनेबल पड़ रही है, तो आप बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसका टूरिस्ट वीज़ा भी कन्वर्ट हो जाता है। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे, तो पासपोर्ट वैलिड चाहिए, 6 मंथ्स वैलिडिटी, 4 से 5 ब्लैंक पे चाहिए, वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल हमें मिलता है किरीबती का। ठीक है, आपको क्या लेके जाना है, पीसीसी मैंडेटरी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, क्योंकि आपका टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट करने के लिए इजी पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो चीज़ तो मैंडेटरी है, विद कोविड सर्टिफिकेट भी आप लेके जाइए। ठीक है, तो ये चीज़ लेके जाइए विथ योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ये भी लेके जाना आप। ठीक है, रेस्ट ऑफ वीज़ा आने वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, टिकट, होटल रिजर्वेशन, ये तो लगेगा ही आपको, पासपोर्ट लगेगा, कैश आप अपना इंडियन रुपीज़ को US डॉलर्स में या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करा लीजिए, और फिर वहाँ पे जाके आप कन्वर्ट करा लेना आपके हिसाब से। ठीक है, जितना यूज़ करना है उतना, और दैट्स इट फ्रेंड्स, और कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अभी के लिए इतना मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, सचिन देगा ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।